किरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया। वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। दो वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरु गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो दो लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, दो वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/2021 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच